गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पोएम सेकंड ज्योग्राफी लेसन एंड वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फर्स्ट स्टेंजा इन द प्रीवियस लेक्चर एंड यू नो अबाउट दिस स्टेंजा व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई इट वाज क्लियर व्हाई द सिटी। फर्स्ट लाइन क्या थी? व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, जब हवाई जहाज या वायुयान आसमान में उड़ता है, इट वॉज क्लियर दैट वाई द सिटी, ये स्पष्ट हो जाता है कि शहर किस प्रकार से दिखाई देता है, हैड डेवलप द वे इट हैड, कि किस प्रकार से शहर को बसाया गया है और किस प्रकार से बसाना जाना चाहिए था, ये स्थिति क्लियर हो जाती है। सीइंग इट स्केल्ड 6 inches into miles, ऊपर से देखने पर 1 मील की दूरी भी 6 इंच के बराबर दिखाई देती है। अपनी जो स्केल होती है 6 इंच वाली, जो हम नोटबुक में रखते हैं, जितनी दूरी 1 माइल जिसके अंदर 3-4 किलोमीटर का दूरी होती है, इतनी सी दिखाई देती है। देयर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी अबाउट ऑन द ग्राउंड एंड लुक्ड हैपेस्ड अनप्लेज्ड एंड विदाउट स्टाइल व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, तो जब भी आसमान में हवाई जहाज उड़ रहा होता है तो वो असंभाविकता, उसकी जो संभावना, असंभाविकता का मतलब इनएविटेबिलिटी का मतलब उसकी संभावनाएं कैसी होती है कि वो अव्यवस्थित दिखाई देता है, बेढंगा दिखाई देता है या शैली विहीन तरीके से हमारा शहर जो है वो दिखाई देता है, ये हमने इसमें पढ़ा था। इसका सेकंड स्टेंजा अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सेकंड स्टेंजा कह रहे हैं, व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 feet, इसका कौन सा स्टेंजा है? सेकंड स्टेंजा। कौन सा स्टेंजा पढ़ेंगे? सेकंड स्टेंजा। कहां से? when the jet reached 10,000 feet, 10,000 feet, जब वायुयान जो है, या यूं कहें जेट विमान जो है, 10,000 फीट की ऊंचाई पर होता है, तो इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री हेड, तो इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री हैड, इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री हैड, why the country had cities where the river rain यानी नदियां, rivers rain नदियां जो है वो, and why the valleys were populate, and why the valleys were populated, आबादी क्षेत्र, populated यानी आबादी क्षेत्र, rivers यानी नदियाँ, populated, the logic of geography, the logic of geography, भौगोलिक तर्क, the logic of geography यानी इसका भौगोलिक जो तर्क है वो क्या है, logic यानी तर्क, that land and water attracted men,
कि भूमि और पानी है वो हमेशा मनुष्य को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्टेड मैन वॉज क्लियरली वॉज क्लियरली डिलिनियेटेड दिखाया, डिलिनियेटेड यानी होता है दिखाया, वॉज क्लियरली डिलिनियेटेड यानी उस तरह से उन्होंने दिखाया, व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, जब विमान 10,000 की ऊंचाई पर था। अब देखना, सबसे पहले हम देखते हैं व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, जब विमान 10,000 फीट की ऊंचाई पर होता है, इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री एंड सिटीज वेयर द रिवर्स एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड। कहने का मतलब क्या है कि जब भी 10,000 फीट की ऊंचाई पर हमारा वायुयान उड़ रहा होता, तो इट वॉज क्लियर, ये स्पष्ट हो जाता वाई द कंट्री एंड सिटीज, कि शहर के जो गलियां होती है, शहर जो होते हैं, द कंट्री हैड सिटीज यानी हमारे देश के जितने भी शहर होते हैं, वेयर द रिवर्स एंड वाई द वैलीज वर, कि वो नदियों के आसपास क्यों होते हैं, और द वैलीज वर पॉपुलेटेड, और घाटियों में जो है जनता या यूं कहें जनाधार जो है या जनसंख्या ज्यादा क्यों पाई जाती है। द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी, इसका भौगोलिक तर्क ये होता है कि दैट द लैंड एंड द वाटर अट्रैक्ट्स मैन, कि भूमि और पानी जो है वो मनुष्य को आकर्षित करते हैं, एंड वॉज क्लियरली डिलाइनेटेड, ये इसमें स्पष्ट रूप से दिखाया गया है, व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, जब विमान 10,000 फीट की ऊंचाई पर होता है, तब ये सारी चीजें उसमें दिखाई देती है। इस स्टेंजा के अंदर काम में आने वाली आपके जो प्रमुख मीनिंग्स हैं, वो मैं आपको यहाँ वीडियो के अंदर भी बता देता हूँ, और बाद में आपको लिख करके उसमें भी डाल दिया जाएगा आपके असाइनमेंट में भी। तो सबसे पहले मीनिंग तो इसमें जो आएगी वो आएगी वैलीज, क्या आएगी, VALLEYS वैलीज यानी होती है घाटी, क्या होती है। दूसरी इसमें अपने प्रमुख इंपॉर्टेंट मीनिंग जो आई है वो होती है पॉपुलेटेड, आबादी वाली, POPULATED पॉपुलेटेड यानी आबादी। आबादी वाला जो क्षेत्र होता है उसको आबादी वाली कह सकते हैं, पॉपुलेटेड। लॉजिक, लॉजिक यानी होता है आपका तर्क, लॉजिक यानी होता है तर्क, और इसके बाद जो अट्रैक्ट यानी आकर्षित करना, अट्रैक्ट यानी आकर्षित करना, और उसके बाद आगे वाली मीनिंग जो आएगी आपकी डेलिनिएटेड, DELINEATED डेलिनिएटेड यानी दिखाया गया, दिखाया गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग्स थी। अब आप लोग देखेंगे कि जब जेट विमान 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा होता है, क्या कर रहा होता है, जब जेट विमान है वो 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा होता है, चला जाता, तब ये स्पष्ट हो गया, इट वॉज क्लियर, तब ये स्पष्ट हो गया कि क्या हो गया, स्पष्ट हो गया कि द कंट्री हैड सिटीज वेयर द रिवर्स रेन एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, कि शहर में नदियों के पास क्यों है, कि हमारे जो शहर है वो नदियों के आस पास क्यों स्थित है, या वो या देश में जितने भी सिटीज हैं, शहर हैं, वो नदियों के किनारे पर क्यों बसे हुए हैं, एंड व्हाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, और घाटियों में जनसंख्या अधिक क्यों पाई जाती है। द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी, इसका भौगोलिक तर्क यह होता है कि दैट द लैंड एंड वाटर अट्रैक्ट्स मैन, कि भूमि और पानी जो है वो मानव को आकर्षित करते हैं, वो अपनी तरफ खींचते हैं,
अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जहाँ भूमि खेती करने के लिए और उसके पास पानी उपलब्ध हो पीने के लिए, वहीं पर मनुष्य रहना पसंद करता है। ऐसी जगह मनुष्य रहना पसंद नहीं करता जहाँ पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो, और पानी नहीं होने की वजह से वो खेती करके अपना अनाज पैदा नहीं कर सके, तो वहां पर मनुष्य है रहना पसंद नहीं करता है। तो अधिकांशतः जितने भी हमारे बड़े शहर जो सिचुएटेड है वो नदियों के किनारे पर बसे हुए हैं, ताकि उनके पीने की पानी की समस्या दूर हो सके और खेती के लिए भी उनको पर्याप्त पानी मिल सके। दैट इज द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी, ये उसका भौगोलिक तर्क है। एंड वॉज क्लियरली डेलिनेटेड, और ये सब इसमें स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। When the jet reached 10,000 feet, जब विमान 10,000 की ऊंचाई के ऊपर स्थित होता है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टेंजा नंबर थर्ड पढ़ेंगे। हमने सेकेंड स्टेंजा कंप्लीट कर लिया, अभी हम स्टेंजा नंबर थर्ड है उसकी स्टडी करने वाले। देखिए थर्ड स्टेंजा क्या कह रहा है, व्हेन द जेट रोज 6 miles हाई, व्हेन द जेट, व्हेन द जेट रोज 6 miles हाई, 6 miles हाई, जब हमारा विमान 6 मील ऊंचाई पर पहुंच जाता है, 6 मील ऊंचाई पर पहुंच जाएगा, इट वॉज क्लियर दैट, तब ये स्पष्ट हो जाएगा, इट वॉज क्लियर दैट द अर्थ वॉज राउंड, द अर्थ वॉज राउंड, कि पृथ्वी गोल है। जब वो पूरी ऊंचाई 6 मील की ऊंचाई पर चला जाएगा, तब उसे पूरी पृथ्वी वहां से दिखाई देगी, तब उसको महसूस होगा कि जो पृथ्वी है वो कैसी है, गोल है। एंड दैट इट हैड मोर, it had more sea than land, और जब उसको एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, तब यह स्पष्ट हो जाता है कि भूमि से ज्यादा समुद्र है। But it was difficult to understand. लेकिन ये समझना कठिन हो जाता है। लेकिन ये समझना और भी कठिन हो जाता है। Difficult to understand that the man on the earth found, then the man, it was difficult to understand, but the man on the earth, पृथ्वी पर जो लोग हैं, then the man on the earth found causes, यानी पाना, वो किस प्रकार से उन चीजों को प्राप्त कर लेते हैं, causes to hate each other, कि किस प्रकार लोग एक दूसरे से धरती पर नफरत करते हैं, कि ये पूरी पृथ्वी जब गोल है, पूरी पृथ्वी एक सम्मान दिखाई देती है, तो लोग क्यों इसके ऊपर ऐसे लोग पाए जाते हैं जो एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। To build walls across the cities, walls
अक्रॉस द सिटीज, तो क्यों शहरों के बीच में सीमाएं बना देते हैं कि आप उस शहर में नहीं जा सकते, आप इस शहर में नहीं आ सकते। अक्रॉस द सिटीज एंड टू किल, और आने जाने पर एंड टू किल, टू किल यानी लोगों को मार दिया जाता है, एंड टू किल। फ्रॉम दैट हाइट, और उस ऊंचाई से, फ्रॉम दैट हाइट और उस ऊंचाई से, इतनी ऊंचाई से, इट वॉज नॉट क्लियर वाई, ये स्पष्ट नहीं होता है कि क्यों हम ऐसा कर पाते। कहने का मतलब क्या, व्हेन द जेट अक्रॉस द 6 miles हाई, जब विमान 6 मील की ऊंचाई पर पहुंच जाता है, इट वॉज क्लियर दैट द अर्थ वॉज राउंड, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि हमारी पृथ्वी है वो कैसी है, बिल्कुल राउंड है, बिल्कुल गोल है, ये बात स्पष्ट हो जाती है। एंड दैट इट हैड मोर सी देन द लैंड, और ये पृथ्वी का अधिकांश भाग पानी से घिरा हुआ है और कुछ ही भाग पर भूमि, अर्थात भूमि की तुलना में पानी ज्यादा है। हमने जियोग्राफी के अध्ययन में पाते या SST की स्टडी हम करते हैं तो ये पता लगाते हैं कि हमारी जो भूमि है उसमें से 71% वाटर है, समुद्री पानी है, पूरा धरती पर पानी है। एंड 29% जो है उसके ऊपर भूमि है जिसमें अपना शहर बसा हुआ है, पहाड़ है, जंगल है और रेगिस्तान है, खेती योग्य भूमि बहुत ही कम हमारे पास उपलब्ध है। अब हम स्पष्ट कर सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं दैट इट वॉज हैड मोर सी देन लैंड्स, कि समुद्र जो है वो भूमि की तुलना में ज्यादा है, हमारी धरती पर समुद्र है वो भूमि की तुलना में ज्यादा पाया जाता है। फिर देखना, देन द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेस टू हेट ईच अदर, और धरती पर जो मानव पाया जाता है, मनुष्य जो है वो क्यों एक दूसरे से नफरत की दीवारें पैदा करता है। देखिए, देन कॉजेस टू हेट ईच अदर, तो पृथ्वी पर जो मानव पाया जाता है, देखिए, बट इट वॉज डिफरेंट टू अंडरस्टैंड देन द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेस टू हेट ईच अदर, कि किस प्रकार से, कि इस बात को समझना बहुत मुश्किल हो रहा है, इस बात को, बट इट वॉज डिफरेंट टू अंडरस्टैंड, कि इस बात को समझना बड़ा अलग लग रहा है, डिफरेंट महसूस हो रहा है, कि देन द मैन ऑन द अर्थ, कि पृथ्वी पर जो मनुष्य है वो कॉजेस टू हेट ईच अदर, क्यों वो ऐसे कारणों को ढूंढ रहा है जिससे कि वो एक दूसरे से नफरत की दीवारें पैदा कर रहा है। एंड टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस द सिटी, शहरों के बीच बाउंडेशन लगा रहा है, सीमाएं बना रहा है कि आप इस शहर में रह नहीं सकते, इस शहर में जा नहीं सकते, ये शहर हमारा है, ये आपका है, इस तरह की बातें ये क्यों करना चाह रहा है। वॉल्स अक्रॉस द सिटी एंड टू किल्स, और ऐसा करने पर एक दूसरे में युद्ध के लिए उतारू हो जाते हैं, लाखों की संख्या में लोग मारे जाते हैं, शहरों का आर्थिक और सांस्कृतिक विनाश हो जाता है। फ्रॉम दैट हाइट, और 6 माइल की ऊंचाई से, या इतनी ऊंचाई से, इट वॉज नॉट क्लियर वाई, कभी ये नहीं समझ पाता है कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे उनका लॉजिक क्या है, इसके कारण को वो समझ पाने में असमर्थ है। अब देखिएगा, अब इसके अंदर आने वाली जो प्रमुख मीनिंग्स हैं वो सबसे पहले मैं आपको लिखा देता हूँ। तो सबसे पहले इसमें जो मीनिंग्स आई हैं उसके अंदर आप देख पाएंगे RYC रोज, यानी होता ऊपर उठा, रोज यानी चढ़ा, उठा, ऊपर की तरफ आना। दूसरी इसमें प्रमुख मीनिंग जो आ रही है वो आती है हाइट, HEIGHT, हाइट यानी ऊंचाई। और उसके बाद में अर्थ, अर्थ यानी पृथ्वी, राउंड यानी गोल, अंडरस्टैंड यानी समझना, सिंपल सिंपल सी मीनिंग्स हैं, अंडरस्टैंड यानी समझना, ये सारी आप लोग याद कर चुके हैं, तो ये आपको मीनिंग्स हैं वो भी याद करनी, मैंने दोनों स्टेंजा में अलग अलग मीनिंग्स लिखाई हैं, आप दोनों को एक साथ लिख करके होमवर्क के रूप में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इस तरीके से आपका जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चन एंड आंसर करवाने हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में, इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, 4-5 क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे। इन दिस पॉइंट देर आर 5 क्वेश्चन एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास द क्वेश्चन एंड आंसर्स।
एंड आई होप ये पोइम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, द ज्योग्राफी लेशन, और यह आपके टेस्ट में शामिल होगी कि मैंने 2 और 3 चैप्टर दिया है तो ये लेशन नंबर 3 हो सक ले लेना इसको आपका लेशन नंबर 3 ज्योग्राफी चैप्टर, ज्योग्राफी लेशन जो है वैसे आपका 3 चैप्टर आएगा, ग्लाइम्स ऑफ वो इतिहास की जो झलकियाँ हैं, ग्लाइम्स ऑफ हिस्ट्री, ग्लाइम्स ऑफ पास्ट यानी अतीत की झलकियाँ, और ये पोइम पढ़ा दिए मैंने तो आपको 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए आपके, और ये इसको हमने 3rd चैप्टर का नाम दिया है, सिलेबस में आपको जो 3rd लिखा है वही याद करना। थैंक यू वेरी मच।